आप होटल्स रेस्टोरेंट में जो खाना खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स शामिल हैं, इसकी जानकारी कई होटल्स नहीं देते और इसीलिए भारत के फूड रेगुलेटर FSSAI ने इसे अनिवार्य किए जाने की बात कही थी। इसके लिए बाकायदा रेस्टोरेंट्स और होटल को जो आदेश हैं वो भी जारी किए गए थे। मेन्यू में कैलोरी काउंट की जानकारी ना देने को लेकर फूड रेगुलेटर ने कई होटल्स और रेस्टोरेंट को अब नोटिस जारी किया है। फसाई ने इन होटल से पूछा है कि क्यों ना उनके कारोबार को बंद करने की कार्रवाई की जाए, यानी कि क्यों ना उनका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। पूरी कहानी अब जरा सुनिए। दरअसल फसाई ने नवंबर 2020 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। इस नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जिन भी होटल्स और रेस्टोरेंट का सेंट्रल लाइसेंस है या फिर उनके आउटलेट्स 10 से ज्यादा जगहों पर हैं तो उन्हें अपने मेन्यू में कैलोरी वैल्यू बतानी होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कैलोरी वैल्यू सिर्फ मेन्यू कार्ड में ही नहीं बल्कि बोर्ड्स और बुकलेट्स में भी देनी होगी। होटल्स और रेस्टोरेंट के लिए ये नियम 1 जनवरी 2022 से अनिवार्य थे। बाद में इस डेडलाइन को बढ़ाया गया, इसे 1 जुलाई 2022 किया गया। लेकिन जुलाई की डेडलाइन गुजरने के बाद भी कई होटल्स ने इन नियमों को नहीं माना और इसके बाद फसाई ने नोटिस जारी करने शुरू कर दिए। फसाई का ये नियम सिर्फ आपको लोकल होटल के लिए ही नहीं है आपके, बल्कि मैकडॉनल्ड्स, KFC, बर्गर किंग जैसे रेस्टोरेंट चेन के लिए भी है। जुलाई 2022 में फसाई ने साफ किया था कि ऑनलाइन फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी ये नए नियम मानने होंगे, यानी कि स्विगी, जोमैटो और ऑनलाइन पैकेज्ड फूड बेचने वाले तमाम ऑपरेटर्स को अपनी वेबसाइट और एप्स पर कैलोरीज, न्यूट्रिशनल वैल्यूज और एलर्जिक कंटेंट की जानकारी देनी होगी। भारत में भले ही पिछले 2-2.5 साल में मेन्यू लेबलिंग पर चर्चा हो रही हो, लेकिन कई देशों में यह व्यवस्था काफी वक्त से चली आ रही है। मेन्यू लेबलिंग से आपको पता होता है कि आप क्या खा रहे हैं, उसमें कितनी कैलोरीज हैं, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं और ऐसे में एक ग्राहक को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस की आज़ादी मिलती है। यही फसाई का भी आइडिया था कि जो ग्राहक है उसको एक इन्फॉर्म्ड चॉइस मिले और साथ ही साथ जो खाने पीने की आदतों की वजह से जो प्रॉब्लम सामने आती हैं उस पर भी लगाम लगाई जा सके। लेकिन क्यों आखिर होटल्स और रेस्टोरेंट फसाई के इस विचार को इम्प्लीमेंट करने में नाकामयाब रहे हैं और अब फसाई का अगला कदम क्या होगा, इस पर बातचीत करने के लिए बहुत ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं फसाई में कंप्लायंस स्ट्रैटेजी की ED इनोशी शर्मा और नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रस्टी अनुराग कटरियार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ इनोशी मैम जुड़ चुकी हैं। इनोशी मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कारण नज़र आया मैम, क्योंकि एक बहुत अच्छा खासा वक्त दिया गया होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स को इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया। आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या रहीं, क्या कारण रहे जो होटल्स और रेस्टोरेंट नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं इसे? देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं इम्प्लीमेंटेशन हुई है, क्योंकि ये हमने जो मुहिम है अपनी अभी बहुत रिसेंटली छेड़ी है एंड एज यू नो वी वॉन्ट कि जो हमारे कस्टमर्स रेस्टोरेंट्स या ईटिंग जॉइंट्स पे जाते हैं उनको ये पता चले कि किसी भी खाने में कैलोरी कंटेंट कितना होता है और उसमें एलर्जेंस या कोई भी ऐसी जो चीज़ें होती हैं जिनसे उनको तकलीफ हो सकती है उसके बारे में पता चले। तो शुरुआत में हमने जो फूड बिजनेसेस 20 करोड़ से ज़्यादा जिनका टर्नओवर है या जिनके आउटलेट्स 10 से ज़्यादा हैं उनके ऊपर ही ये एप्लीकेबल है। अब ऐसे हमारे पास तकरीबन 550 फूड बिजनेसेस बनते हैं, उसमें से अगर हम आंकड़े देखें तो अराउंड 465 ने कंप्लाइंट कर लिया है, ओनली अराउंड 70 हैव सॉट मोर टाइम, क्योंकि ये हम पहली बार कर रहे हैं तो कोई रीजन हो सकता है उन्होंने और टाइम सीख किया है। और जिन लोगों ने हमको कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है ऐसे 16 हैं जिनके हमने फिर लाइसेंस सस्पेंड किए हैं। तो हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, उनसे मीटिंग्स करते हैं, हम उनको ऑनलाइन काउंसलिंग देते हैं, हम उनको समझाते हैं, जिसके वजह से आज हम देखते हैं कि काफी सालों ने जो है कंप्लायंस कर ली है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पहलू है, क्योंकि मैं जैसा अपने दर्शकों को
हम बता भी रहे थे कि 2020 के एंड में ये स्ट्रैटेजी सामने आई, उसके बाद जो फर्स्ट डेडलाइन थी वो 2022 का जनवरी था, उसके बाद इसको बढ़ाया गया, फिर जुलाई 1 किया गया। उसके बावजूद अगर ये इम्प्लीमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाया तो स्वाभाविक है FSSAI का नोटिस जारी करना भी। लेकिन यहाँ पर एक क्लैरिटी जो मिली है वो ये कि ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स ने, होटल्स ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। 70 के आसपास जो होटल्स और रेस्टोरेंट, उन्होंने ज़्यादा वक्त मांगा है, मना भी नहीं किया, ज़्यादा वक्त मांगा है, और जिन लोगों ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया तो उन पर तुरंत कार्रवाई भी की गई है। इस वक्त हमारे साथ नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ट्रस्टी अनुराग कटरिया साहब भी जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आ गई हैं, क्योंकि जैसा कि मैम ने बताया, शुरुआती रूप दौर में ये जो आइडिया इम्प्लीमेंट करने को कहा गया, ये उनको कहा गया जो फिनेंशियली सक्षम कहे जाते हैं, टर्नओवर 20 करोड़ से ज़्यादा का हो, 10 से ज़्यादा आउटलेट्स हों। क्या प्रॉब्लम आ गई है एक छोटा सा आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में, सिर्फ कैलोरी काउंट्स और न्यूट्रिएंट्स ही तो बताने और एलर्जी कंटेंट? जो पहले तो मैं बताता हूँ, ये आइडिया बहुत ही सराहनीय है और हम बिल्कुल इसकी इस मुहिम में हम सरकार के साथ हैं। देखिए, जो आपको लगता है बहुत छोटी सी बात है, दरअसल एक बहुत ही जटिल विषय है, ये इतना आसान नहीं है। हर एक रेस्टोरेंट के मेन्यू आइटम्स कई सारे होते हैं, इसके अलावा रोज बदलने वाले मेन्यूज होते हैं। ऐसे मेन्यूज का कैलोरी काउंट निकालना ये एक इतना आसान नहीं है, एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें थोड़ा वक्त लगता है। दूसरा क्या है पहलू, आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ये जो सारा ये प्रावधान आया है ये कोविड के दौरान आया है। देखिए, तकरीबन ये आई थिंक 2020 के आसपास ये आया था, फिर डेट्स बढ़ाए, जनवरी का था जब ओमिक्रॉन आ गया, फिर जुलाई का था। मैं कोई किसी तरह की सफाई नहीं देना चाहता हूं कि ये विलंब क्यों हुआ, लेकिन जेन्युइनली स्पीकिंग देखिए, इसमें जेन्युइन परेशानियां हैं। टू गेट अ लैब सेटअप जहां से आप कैलोरी वैल्यू सबकी निकालें, फिर अपने मेन्यू को अकॉर्डिंगली करें, इसमें थोड़ा वक्त लगता है। और हमारी आपके माध्यम से सरकार से इतनी ही गुजारिश है कि हमें थोड़ा और वक्त दीजिए, हम इस मुहिम में आपके बट साथ बट कितना वक्त और सर, बट कितना, क्योंकि सर सरकार ने पर्याप्त वक्त दिया है जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, और जो बाकी रेस्टोरेंट ने किया है 450 से ज्यादा ने, उन्होंने भी तो कर दिया, फिर ये 70 कौन क्यों रह गए, और कितना वक्त चाहिए? यस सर, देखिए ऐसा होता है कि हर एक कंपनी अगर सिर्फ 20 करोड़ का टर्नओवर या 10 रेस्टोरेंट या नेशनल FSSAI लाइसेंस वाली बातें, हर कोई फाइनेंशियली सक्षम नहीं रहा है अभी कोविड के बाद। तो एक तरफ आप अपने व्यापार की जटिलताओं से लड़ाई कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये चीज है। मैं वापस बोल रहा हूं, मैं कोई सफाई नहीं दे रहा हूं, बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कुछ करने में, और शायद हमको ये पूरा करने में शायद 1-2 क्वार्टर और लग जाए जब ये पूरी तरह से लागू होगा। मेरे ख्याल से ये बहुत ही बढ़िया शुरुआत है, एक अच्छी चीज है, बट इसको करने की जो पूरी प्रक्रिया है, लोगों को समझने में वक्त लग रहा है और उसको इंप्लीमेंट करने में थोड़ा वक्त लग रहा है। इनुशा मैम, जो बताया जा रहा है यहाँ पर वो वही जो कोविड का हवाला, कि जो ओपन अप के बावजूद पूरी तरह से ट्रैक पर रेस्टोरेंट्स नहीं आए हैं, और दूसरा ये जो मैं लोगों से बातचीत भी कर रहा था कि बड़ी जटिल सी प्रक्रिया है। कई लोगों का ये भी कहना था कि इसमें छोटी छोटी प्रैक्टिकल बातें इसलिए भी आ जाती हैं क्योंकि खाना अगर हम रेस्टोरेंट में सर्व कर रहे हैं और उसमें अगर ग्राहक कह दे कि मुझे इसमें कुछ परिवर्तन करने हैं, तो फिर उसमें कैलोरी काउंट किस तरह से होगा, न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू क्या होगी, वो चेंज हो सकती है। तो क्या इस पर आप लोगों की बातचीत हुई है स्टेक होल्डर्स से? बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट अगर आपका एक फिक्स्ड मेन्यू रहता है उसी में आपको कैलोरी काउंट देना है। अगर आपके प्रेमिसेस पे, मतलब आपके यहाँ पर अगर कोई कस्टमर आता है और अपने हिसाब से कोई करता है तो उसमें कैलोरी काउंट आप नहीं देते हैं, क्योंकि वो एक चॉइस होती है। तो जब हम FSSAI की तरफ से आपको कहते हैं कि आप कैलोरी काउंट दीजिए, तो वो जो आपका फिक्स्ड मेन्यू है उसके लिए होता है एंड नॉट फॉर द मेन्यू विच हैज बीन ऑप्टेड फॉर बाय अ चॉइस बाय अ कस्टमर। एंड मैम, जो हमने क्लैरिफिकेशंस काफी दी हैं, और भी हमारी बातें होती हैं उसमें हमने ये क्लैरिफिकेशंस दिए हैं। अच्छा, कटरिया साहब कुछ कह रहे हैं? जी मैडम, मैं ये जानना चाहता था, क्योंकि आई डोंट नो ये सही मौका या वक्त है कि नहीं, पर अगर जहां पे रेस्टोरेंट्स में रोज कुछ एक स्पेशल आइटम्स का मेन्यू बनता है, उनके लिए क्या प्रावधान है? उनको, क्योंकि वो रोजमर्रा के मेन्यू को जो चेंज होता है
उसमें ये करना मुश्किल है। जो प्रिंटेड मेन्यू है मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, उसमें करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर जो मेन्यू रोज चेंज होता है रेस्टोरेंट में एज अ स्पेशल ऑफ द डे, उसके बारे में क्या प्रावधान है अभी फिलहाल इन नियमों में? सो इवन फॉर द स्पेशल ऑफ द डे यू विल नॉट हैव 365 स्पेशल्स ऑफ द डे, दे विल गेट रिपीटेड, एंड एनी आइटम व्हिच गेट्स रिपीटेड एंड इट इज फिक्सिंग और इट इज कमिंग एज अ फिक्स्ड मेन्यू, मान लीजिए आपका फिक्स मेन्यू 10 चीजें होती है और आपका स्पेशल ऑफ द डे 11वां है जो हर रोज चेंज होता है, तो वो भी जो 11वां होगा ऐसा नहीं होगा जो आप भी बनाते नहीं है, यू नो इट वुड बी समथिंग दैट यू विल रिपीट, सो यू विल हैव टू गिव इट इवन फॉर द स्पेशल ऑफ द डे यू विल हैव टू गिव इट। ओके, सो दिस कुड बी अ प्रॉब्लम इन द इमीडिएट टर्म बट ग्रेजुअली दीस थिंग्स विल ऑल बी पार्ट ऑफ अ बैंक व्हिच विल हैव द कैलोरी वैल्यू इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। थैंक यू फॉर द क्लेरिफिकेशन। ऑलराइट, एंड मैम जो होटल इंडस्ट्री अभी जो कुछ समय की डिमांड कर रही है और जैसा कटरिया साहब कह रहे हैं कि एक से दो क्वार्टर लग सकता है, इतना समय देने को क्या कंसिडर करेंगी मैम? देखिए जैसे हमने ये बात की है कि हमने काफी टाइम दे दिया है एंड इन फैक्ट वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड यू नो वर्किंग ऑन सस्पेंडिंग लाइसेंसेज इन केस वेयर वी हैव नॉट गॉट एनी रिस्पॉन्स, लेकिन जहां पर भी फूड बिजनेसेस ने हमें रिस्पॉन्स दिया है अपनी कोई तकलीफ के बारे में बताया है, हम वहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा सा लीनियंट व्यू रख रहे हैं, बट इवन देन वी कैनॉट, आई मीन आई वुड नॉट से दैट यू नो इट विल गेट गो ऑन फॉर वन और टू क्वार्टर्स, वी वांट सम एश्योरेंस फ्रॉम द फूड बिजनेस दैट ओके इवन इफ दे वांट टाइम दे हैव स्टार्टेड वर्किंग पार्टली ऑन द मेन्यूज, बिकॉज यू कैनॉट यू नो जस्ट कीप द कस्टमर्स हैंगिंग विद नो इन्फॉर्मेशन, इवन इफ हाफ ऑफ योर मेन्यू हैज सम इन्फॉर्मेशन at least that assurance we need. Absolutely. Sir, Kateria साहब, जो फसाई के notice गए हैं वो बड़े restaurant जैसे हम बता रहे हैं including 5-star, अब इसमें ऐसा नहीं है कि आपको calorie count करने के लिए कोई बहुत बड़ा investment करना हो जिसके लिए आप अपने financial crunches का हवाला दे रहे हैं, so ये implement करना क्या इतना ज्यादा financially burden ला रहा है इन restaurant और 5-stars पर कि वो कैलोरी शायद मेरे कहने और समझने में कहीं दिक्कत हुई, मैंने फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का हवाला नहीं दिया था, मैंने रिसोर्स कंस्ट्रेंट का बोला था, जो व्हेन आई मीन इज देखिए ये एक ऐसा कोई मेरा जो रेगुलर एम्प्लॉई है वो ये काम नहीं कर सकता है, इसके लिए बिल्कुल एक स्पेशलाइज्ड लोग हैं जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं वो लोग लगते हैं उन चीजों का करने में, एक लैब सेट करने में, इन चीजों में वक्त लगता है, मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि ये सिर्फ पैसे की वजह से है। और एक जो दूसरी बात मैं कह रहा था जो कोविड से रिलेटेड, मेरा ये कहना था कि अभी हमारी लड़ाई कोविड के बाद भी जारी है और ऐसे में रिसोर्स की कमी है, हाँ मैं ये नहीं कहता कि पैसे इन चीजों के लिए हम पैसों का प्रावधान नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ये जरूरी चीज है, पर इसके साथ साथ थोड़ा वक्त इन चीजों में लगता है। बट सर जैसे मैडम ने अभी कहा, आई थिंक ये बड़ी अच्छी एक चीज कही कि अगर आप थोड़ा बहुत भी शुरुआत करें, देखिए जिन लोगों ने इन्होंने जो कहा 16 लोगों ने कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं किया, तो भाई मैं तो उनके फेवर में कुछ नहीं बोल सकता, आपको कुछ तो जवाब देना पड़ेगा, चाहे आप वक्त मांगिए चाहे आप बोलिए मैं आधा अधूरा शुरू कर रहा हूं, लेकिन बार 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 देखिए सर यहाँ पर एक कंज्यूमर की बात है, जो FSSAI कह रहा है वो कंज्यूमर की बात कर रहा है, मैम कह रही है यहाँ पर कि आप सिटीजन को एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेने से कब तक आप टालते रहेंगे, दूसरा कि जो कैलोरी काउंट है जो कंटेंट आप आपको जो तय करना है वो तो सरकार के मानक हैं, वो स्वाभाविक रूप से आपके पास सबके पास होंगे, आप गूगल, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि आप गूगल के आधार पर कैलोरीज तय कीजिए, लेकिन जो सरकार के मानक जो तय हैं वो तो बहुत सिंपली आप सबके पास अवेलेबल हैं, उनमें कैलोरीज निकाल के उनको डिस्प्ले करना, इसमें आपको लगता है कि कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं इसमें या 6 महीने का वक्त लगेगा? नहीं मैंने ये नहीं कहा, मैंने किसी को शायद 1 महीना भी ना लगे, किसी को 6 हफ्ते लगे, किसी को 4 महीने लग सकते हैं, मैंने इसलिए कहा 1 से 2 क्वार्टर तक का वक्त हमें लगेगा पूरी तरह से करने में। देखिए ग्राहक हमारे लिए सब कुछ है, ग्राहकों के हित में जो भी है वो करने को तैयार है, बट कुछ चीजों को मतलब जब एक नई चीज आती है तो उसमें कुछ एक प्रैक्टिकल अड़चने होती है, हमें उसका भी ख्याल रखना है और हम शायद यही सोच लेके आगे चल रहे हैं एंड आई थिंक वेरी सून दिस विल ऑल बी अ रियलिटी। ऑलराइट, एक आखिरी सवाल मेरा इनोशी मैम से रहेगा। मैम फसाई का एक ड्राफ्ट रेगुलेशंस भी हम वेट कर रहे हैं फूड लेबल्स पर, उस पर क्या कुछ हो रहा है और उस पर कितना काम अभी तक हो पाया?
फूड लेबल्स जब आप कहते हैं, आई एज्यूम यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रंट ऑफ द पैक, राइट? यस मैम, यस मैम। क्योंकि फूड लेबल्स में हमारा बैक ऑफ द पैक पे तो लेबलिंग का काम चल ही रहा है, फ्रंट पे भी हमारे लेबल्स रहते ही है। आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई व्हाट इज इट दैट यू वांटेड टू नो ऑन द फ्रंट ऑफ द पैक। फ्रंट ऑफ द पैक, यस मैम। यस, सो उसके लिए हमने अभी अपना जो है ड्राफ्ट बनाया है। It is still under consideration. As soon as it is finalized, it will be open for the public. Everybody can give their comments on it. Once we get the comments, we will incorporate whatever suggestions have been made, and then we will be putting it up to the government for approval, and then it will be, made into a law. एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप दोनों का वक्त निकालने के लिए, और मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम बन गया, क्योंकि आज इंडस्ट्री और गवर्नमेंट बॉडी दोनों आमने सामने बैठकर इस इशू पर बैठकर बातचीत करी, बहुत सारी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को लगी होंगी। और इस पूरे मसले में इंडस्ट्री का, होटल्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशंस का क्या कहना है और सरकार क्या सोचती है, उस पर सीधी बातचीत हुई है। इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इनोशी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अनुराग जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।